हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 4 फरवरी। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफी इजिली मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां के आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, दो क्वेश्चन अपने आंसर करने होते हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू प्ले 200 ओडीआईज एज ऑन 1 फरवरी 2019। ठीक है, 200 क्रिकेटर ओडीआई खेलने वाली फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कौन बन गई, ये आपने बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन 29 जनवरी 2019। तो यूपीएससी के न्यू मेंबर अपॉइंट हुए, इनका क्या नाम है। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे फ्रॉम स्टैटिक पोर्शन, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन, जिनके आंसर्स आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 new AIIMS। दो न्यू एम्स के फाउंडेशन स्टोन रखे हमारे प्रधानमंत्री ने कल के दिन। तो आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में रखे। तो ये रखे गए जी ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, एंड एक जो एम्स बनाया जाएगा वो जम्मू में बनेगा एंड एक बनेगा जी कश्मीर में। ओके, एंड ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इन जम्मू। इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा, विद अदर प्रोजेक्ट्स भी थे, लाइक देखो एक कीड़ू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का भी स्थापना रखी किश्तवाड़ में। देन उसके बाद लद्दाख की फर्स्ट एवर जो यूनिवर्सिटी होगी उसकी भी फाउंडेशन स्टोन रखी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, एंड ये जम्मू एंड कश्मीर में, अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर में सरकार नहीं है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जी सत्यपाल मलिक। एंड उसके राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर में लगा हुआ जी प्रेसिडेंट रूल। ओके, एंड अबाउट द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू, एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो समर कैपिटल होती है वो होती है जी श्रीनगर। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप करते सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच डिड द इंटरिम बजट रिबेट फॉर द इनकम टैक्स टू दोज हु आर अप टू 5 लाख पर एनम। ओके, देखो अभी हम सब ने सुना कि 5 लाख तक इनकम टैक्स अब हमें पे नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है, 5 लाख तक टैक्स हमें नहीं पे करना है। बट थोड़ा सा डेप्थ में जाएं इसमें, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि देखो इससे पहले क्या होता था कि देखो इस बजट से पहले क्या था कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपये यानी कि 2.5 लाख के अबोव आपकी इनकम है, ठीक है, अगर आपकी लेट्स सपोज एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी 2.5 लाख इनकम है, इससे पहले क्या होता था, अगर आपकी इतनी इनकम है, इससे अगर आपकी बिटवीन 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक इनकम है, यानी कि देखो 2.5 लाख तक तो आपको इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एग्जेम्प्ट था। बट अगर आपकी सपोज करो आपकी 5 लाख तक इनकम हो जाती है, देन उसके बाद से 2.5 लाख से अबो जितनी इनकम होती है, अगर लेट्स सपोज आपकी 5 लाख एग्जैक्टली इनकम होती है, तो 2.5 लाख पे आपको 5% पे करना था, ठीक है, इनकम टैक्स की स्लैब के अंडर आपको 5% पे करना था इसका। नाउ अब क्या गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है कि आपको 12,500 रुपये का रिबेट प्रोवाइड कर रही है। ओके, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक होती है तो तब आपको गवर्नमेंट 12,500 का रिबेट प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से आगे घुमा फिर आगे आपका टैक्स बिल्कुल जीरो होगा, मतलब आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनडायरेक्टली मतलब वही है, बट आप ये भी इस तरीके मैं भी एग्जाम में आपसे इस तरीके से पूछ लें कि तन आप सोचेंगे कि ये तो 12,500 के बारे में हमने सुना ही नहीं, ठीक है, तो रिबेट प्रोवाइड कर रही है, इस वजह से जाके हमारा 5 लाख तक हमें कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 5 लाख तक अगर अभी हमारी सालाना इनकम होती है। ओके, देन ये चीज याद रख लेना एंड इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड एंडेंजर्ड डॉल्फिन एज इट्स एक्वाटिक एनिमल ऑन 1 फरवरी 2019। ठीक है, कौन से स्टेट ने डॉल्फिन को एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर किया, तो ये किया जी पंजाब। ठीक है, पंजाब की सतलुज एंड ब्यास रिवर्स में डॉल्फिन पाए जाते थे। एंड अबाउट पंजाब के बारे में जो चीज़ें याद रख लो, कैपिटल है जी चंडीगढ़, वहां के जो सीएम है कैप्टन अरविंदर सिंह एंड वहां के गवर्नर है वीपी सिंह बंडोर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज लॉन्च नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, दिस प्रोजेक्ट विल बी फंडेड बाय
हाफ इंडियन गवर्नमेंट एंड हाफ बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन 50-50 बेसिस। ठीक है, सबसे बड़ी पहली बात कि ये और जो प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों गया, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको और स्ट्रेंथ किया जाए। ओके, देन उसके बाद इसमें जितनी भी फंडिंग होगी उसका 50% इंडियन गवर्नमेंट पे करेगी एंड 50% पे करेगा जी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में जो आपको याद रखना है, एस्टैब्लिशमेंट 1945, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी, एंड इसके जो राइट नाउ प्रेसिडेंट है उनके नाम जरूर याद रखना, इंटरिम प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जेविया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विस्ट एंड वॉज स्वच्छ भारत यात्रा अवार्ड अंडर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी ऑन 29 जनवरी 2019। तो कौन सी स्टेट ने ये अवार्ड जीता? तो ये जीता जी ऑप्शन बी तमिलनाडु ने। ठीक है, ये अमंग बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रही एंड मदुराई एंड शिवाकाशी वर ऑल्सो रिकोगनाइज एज द बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखनी है अबाउट तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई एंड वहाँ के जो सीएम इडापाडी पन्नीस्वामी। ओके, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? तो कौन सी तारीख को इसे सेलिब्रेट किया जाता है? ऑलरेडी आंसर मार्क दें, इसे किया जाता है जी हर साल 2 फरवरी को। ओके, एंड वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होता है जी जो दलदली ज़मीन होती है। ओके, अब दलदली ज़मीन से बेनिफिट ये होता है कि जहाँ पे आपको दलदली ज़मीनें मिलेंगी ना, वहाँ पे अगर आप ट्यूबवेल निकालने बोर करोगे ना, तो वहाँ आपको वाटर लेवल काफ़ी ईजिली मिल जाएगा। देन उसके बाद वहाँ पे फ्लड इज़ काफ़ी रेयर चांसेस होते हैं कि वहाँ पे फ्लड आने के कोई भी बहुत रेयर चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड इसमें एक डेट याद रखना, 1971। ठीक है, रामसर कन्वेंशन आपने सुना होगा अक्सर। ठीक है, ईरान में 1971 में एक समझौता हुआ था, जब ये इनको एग्रीमेंट हुआ था कि वेटलैंड की प्रिजर्वेशन के लिए। देन उसके बाद 1997 के बाद से हम हर साल इसे 2 फरवरी को मनाते हैं। ओके, 1997 में पहली बार सेलिब्रेट किया था, 1971 में ईरान के रामसर कन्वेंशन में इसे एक समझौता हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। एंड इस बारी का थीम था वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। सेवन्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया विल एक्वायर 5000 मिलान एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल? तो हमारी इंडिया ये मिसाइल्स लेगी। ठीक है, ये एंटी गाइडेड टैंक्स होंगे, तो ये इस तरह के होंगे, पिक्चर आपके सामने है। तो कौन सी कंट्री से लेगी 5000? तो ये लेगी जी फ्रांस से। ठीक है, एंड अबाउट फ्रांस, कैपिटल पेरिस, प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, एंड फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर डिजिटल लर्निंग? ठीक है, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड अदर इंस्टीट्यूशंस में सिक्किम गवर्नमेंट ने समझौता किया जी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, ये हैं जी सिक्किम के सीएम, इनका नाम तो जरूर याद रखो, पिक्चर से आए हो पहचान के होंगे, पवन कुमार चामलिंग, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। एंड सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद, एंड सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। ओके, एंड माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट की जो फाउंडर है वो है पॉल एलिन एंड बिल गेट। ठीक है, हाल ही में अक्टूबर 2018 में पॉल एलिन का निधन हो गया था। ओके, देन हमारा 9th क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ए रूरल डेवलपमेंट स्कीम नेम्ड स्मार्ट विलेज कंपेनियन टू बिल्ड इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर? विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये कंपेनियन जिसका नाम है स्मार्ट विलेज कंपेन, तो ये चला रही है कौन सी गवर्नमेंट? ये है जी पंजाब गवर्नमेंट। ओके, एंड पंजाब, इतनी चीज़ याद रख लो। एंड ये हैं जी वहाँ के सीएम कैप्टन अरमिंदर सिंह, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, एंड वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वीपी सिंह बंडोर। ओके, देन हमारा 10th क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर विल इंडिया लॉन्च इट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31 ऑन 6 फरवरी 2019? तो कहाँ से इसे लॉन्च कर रही है? तो ये लॉन्च हो रही है जी फ्रेंच जेनुआ से। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है एंड इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो होगा Orion 5। ओके, एंड ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये बेटरमेंट करेगी फॉर टेलीविजन नेटवर्क्स को, बेटरमेंट करेगी। ठीक है, डिजिटल नेटवर्क सर्वेज को, देन उसके बाद जो DTH सर्विसेज होती है ना, जिसके थ्रू हमें हम देखते हैं टीवीज देखते हैं, ठीक है, जो हमारी DTH सर्विस होती है, तो उनकी कनेक्टिविटी को ये बेटर करेगी। ठीक है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड ये हमारे इंडिया की 40वीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी। ठीक है, एंड इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज होगा वो होगा Orion 5 एंड लॉन्च होगी फ्रेंच जेनुआ से। देन 11th क्वेश्चन है, वेयर विल बी द 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2019 विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 4th फरवरी 2019? आज से उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा है जी
न्यू दिल्ली से, ठीक है ठीक है। देन 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक इसे ऑब्जर्व किया जाएगा, नेशनल सेफ्टी रोड वीक, ठीक है। देन उसके बाद एक चीज़ उसमें और चीज़ याद रख लेना, जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रोड सेफ्टी के वो हैं जी अक्षय कुमार। 12th question इज महात्मा गांधी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैंसर अवेयरनेस वॉक, ठीक है। महात्मा गांधी कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एक कैंसर अवेयरनेस वॉक ऑर्गेनाइज करा रहा है, तो ये आपको बताना है कि हॉस्पिटल कौन से इंडियन स्टेट में है। ओके तो ये हॉस्पिटल है जी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। ओके एंड अबाउट आंध्र प्रदेश के जो CM वो है एन चंद्रबाबू नायडू, एंड आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वो है ESL नरसिम्हन। ओके देन हमारा 13th question है द यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस 2019 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके ऑफ केमिकल इवेंट्स। मैं ऑलरेडी बताया था 2019 हम UN ने डिक्लेयर किया कि ऑब्जर्व करेंगे एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, टू अवेयर पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके तो ये आपको बताना है कि पीरियोडिक टेबल फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था, तो ये हुआ था जी पब्लिश 1879 में फर्स्ट टाइम। ओके देन 14th question है वेयर वॉज द अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च ऑन 29 जनवरी 2019। ओके देखो अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज इसका मतलब क्या है, यू नो ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लॉन्च करने का। देखो UN का जो एजेंडा है 2030 तक फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ये भी याद रखना, UN एजेंडा फॉर 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी के लिए इनोवेट और इनोवेशन के लिए, ताकि इनोवेशन आइडियाज जनरेट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ की जाए, ठीक है। तो ये सेंटर कहाँ पे इसका इसको लॉन्च किया गया, तो ये किया गया जी इटाली की कैपिटल रोम में। ओके देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आठ करंट अफेयर्स का, हु वाज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, ठीक है। एम्बेसडर अपॉइंट हुए तो इनका नाम है जी संजीव रंजन, ठीक है। एंड बाकी जो ऑप्शंस लिए मैंने आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपके प्रीवियस थोड़े बहुत रिवाइज हो पाए, ठीक है। संजय सुधीर अभी हाल ही में मालदीव्स के लिए हुए थे, देन उसके बाद संजीव रंजन तो मैं बता चुका हूँ, देन उसके बाद विक्रम मिश्री चाइना के लिए, हर्षवर्धन श्रृंगला US के लिए, एंड संजय वर्मा है जी स्पेन के लिए, ठीक है। एंड कैपिटल ऑफ रिपब्लिक कोलंबिया की बोगोटा, ये पिक्चर भी आपके सामने है संजीव रंजन की। ओके ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले उनके आंसर्स, ओके ये क्वेश्चन मैंने पूछे थे अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे आई है जी, केरल एंड तमिलनाडु। एक्चुअली आप इनके डिटेल आंसर आप जरूर पिंट कमेंट जरूर पढ़ लिया करो, काफ़ी अच्छे वे में स्टूडेंट्स इसके आंसर करते हैं, तो आप जरूर देख लिया करो प्रीवियस डे के वीडियो, यानी कि जैसे कल का वीडियो उनके जो पिंट जो सबसे टॉप पे कमेंट है वो जरूर पढ़ लिया करो, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। देन सेकेंड है पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है जी मध्य प्रदेश में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर कहाँ पे है जी वेस्ट बंगाल में, एंड अचानक मर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। ओके ये हो गए जी आज का करंट अफेयर्स, एंड अब जो आपके लिए स्टैटिक पोर्शन के, ठीक है आज आपके लिए क्वेश्चंस फ्रॉम गौतम बुद्धा, ओके एंड आज साथ साथ आपके लिए ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, ताकि इसमें एक्चुअली इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने बाकी ऑप्शंस भी लाए हैं, ठीक है। देन उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC इन विच क्षत्रिय फैमिली, तो कौन सी क्षत्रिय फैमिली में इनका जन्म हुआ था ये आपको गैस करना है। आप इसको वीडियो पॉज करके भी आंसर्स कर सकते हो, लाइक जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे हो उसको पॉज करके इसका कमेंट करके आंसर बता दी, देन यू कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आप ऐसे भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इन विच प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन, ये बताना आपने। थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द 4 noble truths ऑफ बुद्धा, ओके इसमें से नॉबल ट्रूथ बुद्धा का कौन सा नहीं है ये बताना है। एंड फोर्थ वन इज वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, कहाँ पे हुई थी ये बताना है। एंड फिफ्थ वन आपको ये बताना मुझे, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके देखो ये पांच मुझे बताओ, एंड एक चीज़ और बता दो, देखो अगर आप वीडियो एंड तक वॉच कर रहे हो एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना ना भूला करो। एक्चुअली होता है कि देखो नॉर्मली मैं वीडियोस को लाइक करने के लिए बोलता नहीं, बिकॉज एज आई थिंक अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं आप खुद लाइक करोगे, ठीक है। कई स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, बट कई स्टूडेंट्स जिनको वीडियोस पसंद आ भी रहे होते हैं वो लाइक करे बिना चल जाते हैं। एक्चुअली है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि जब तक आप वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे तो वो उसको रैंक नहीं करेगा। ओके तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक करने के साथ साथ उसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो, इतना आप जरूर कर दिया करो। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।